दुकान हो जो प्रॉपर, वहां से लेना, रेडी से मत लेना, ये पहला स्कैम हो चुका है। ये पूरा लाल किला है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। लोग आ रहे हैं सारे, कहाँ से आए भाई आप लोग? संभल से। गेस्ट वगैरह वहां से आते होंगे ना, तो यहाँ पे भाई इनकी डीजे पार्टी होती होगी, मतलब गाने वाने बजते होंगे। सही नहीं हुई अंकल बारिश है ना भाई, दिल्ली में भाई बहुत ज्यादा जरूरी थी बारिश। अरे भाई इसको भी डालने दे, इसको भी डालने दे भाई, पहले ही मैं जा रहा हूँ घर। ओ भाई रुक जाओ, जल्दी खोल इसको यार, बैठा हुआ है तू। भाई देखो वापस तो हम आ गए, और बारिश जो है ना भाई इतनी खतरनाक हो रही ना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे भाई, अच्छे भी होंगे स्वस्थ भी होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है ना ये भाई, ये देखो भीग रहा है वो। मैं भी अभी फोन रख देता हूँ, उसके बाद जाऊंगा और अच्छे से भीग करके आऊंगा। उसके बाद भाई वीडियो एंड तक देखना, आज शायद हम कहीं जाएंगे, ठीक है? कहाँ जाएंगे वो भाई वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन भाई मौसम जो है ना, अरे चाय है, बारिश स्टार्ट हो गई है भाई अभी, यार मजा आने वाला है भाई, बस पन्नी मिल जाए रास्ते में, ठीक है? अब भाई कुछ भी हो, बारिश में भीगते रहेंगे, ठीक है ना? और घूम के आएंगे आज कहाँ पे, रुक जाओ। मौसम भाई अभी बाहर मस्त बना हुआ है, और मैं आ गया हूँ मेट्रो में, और काफी टाइम के बाद आया हूँ मेट्रो में। ओ भाई बाहर अभी भी इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना, अब देखो मैं कहाँ जाता हूँ, शायद चलो यार देख लेना कहाँ जा रहा हूँ मैं, मुझे खुद इतना अच्छे से नहीं मालूम मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, बस जा रहा हूँ, समझ रहे हो? इतने टाइम के बाद मेट्रो के अंदर आया हूँ, और ये लगा लो कि आवाज सुन के भाई, लाइट वाइट देख के बिल्कुल ना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है भाई। ओ भाई ओ भाई, कितने टाइम के बाद फाइनली, और भाई एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट भाई 2 साल के बाद बैठा हूँ मैं मेट्रो में, ठीक है? अभी कार्ड लिया मैंने नया, ठीक है? पहले मेरे पे 2 कार्ड थे, कभी कोई ले जाता कभी कोई ले जाता, अभी मैंने देखा तो भाई मेरे वॉलेट में कार्ड नहीं है, और मेरे को मालूम भी नहीं था कि मेरे वॉलेट में कार्ड नहीं है। और फिलहाल अभी हमें चांदनी चौक में, ओ माई गॉड, और भाई चांदनी चौक की वाइब चेक करो, ये बनने के बाद ना जो ये रूट दिख रहे हो, पूरा जो रूट है काफी टाइम हो गया उसको बने हुए, और ये बनने के बाद ना मैं अभी आया हूँ, ये पूरा रूट पता है चांदनी चौक में, लाल किला है बिल्कुल सामने, और ये भाई रोड बनाई है अभी थोड़े टाइम रिसेंटली बनी है रोड, ठीक है? साल भर हुआ होगा मे बी। ये देखो भाई बिल्कुल बढ़िया, पहले यहाँ पे गाड़ी ट्रैफिक भाई रोड दोनों साइड चलती थी, और अब भाई बस ई रिक्शा चल रहा है, स्टार्टिंग में ई रिक्शा भी नहीं चल रहा था, लेकिन अब चल रहा है तो काफी चल रहा है, और गचपच गचपच, लेकिन पहले से भाई बहुत ज्यादा राहत है। मैं घर से निकला था ना, तो मेरा हिसाब किताब था कि भाई पुरानी दिल्ली जाएंगे या फिर जाएंगे हम जामा मस्जिद, ठीक है? उसके बाद देखो अभी मैं आया हूँ शॉर्ट्स में, तो मेरे को याद आया भाई शॉर्ट्स में वो ना जाने नहीं देते, ऐसा कुछ हिसाब किताब है, मेरे को फ्रेंड ने बताया था, ठीक है? तो मेरे को याद आया, अब मेरे को लग रहा है यार मेरे को जीन्स पहन के आने थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई आए, लेकिन यहाँ आया ना तो अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। निकलू कहाँ से भाई, हर जगह भाई ऑटो वाले रिक्शा वाले भैया यहाँ बैठो वहाँ बैठो। अभी देखो भाई मैंने रेडी से ये लिया है पानी की बोतल, और भाई ये 20 रुपए की बिस्लरी है, ठीक है? और बिल्कुल कड़वा पानी, ठीक है? वो छेद करके जो भरते हैं ना पीछे से वाला कोई हिसाब किताब है। यहाँ पे कभी भी आओ ना भाई, अगर पानी लो बाहर से तो पता क्या करना, दुकान हो जो प्रॉपर वहाँ से लेना, रेडी से मत लेना, ये पहला स्कैम हो चुका है। अच्छा एक बात मैं बता दूँ, सामने देखो सबवे है, आप भाई लाल किला मेट्रो स्टेशन जैसे बाहर निकलोगे ना, तो आपको भाई बहुत सारे रिक्शे वाले ऑटो वाले बोलेंगे कि भैया आपको घूम के जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, रिक्शा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अगर भाई चल सकते हो तो जस्ट भाई मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में ना वहाँ से सबवे है, आपको लेकर के जस्ट बाहर आना है, उसके बाद यहाँ से सीधा जाना है, तो सीधा जाओगे ना जैसे ही तो 2 नंबर गेट आएगा, ठीक है? ये भी मैंने पूछ के आपको बता रहा हूँ, मेरे को भी इतना मालूम नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ भाई लाल किला इस साइड। भाई मैं मार्केट में ना बहुत बार आया हूँ, बट मैं कभी यहाँ नहीं गया हूँ, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। तो भाई देखो पब्लिक में ब्लॉगिंग करने का फायदा देखो ये होता है, थैंक यू भैया, ठीक है? भाई करोगे ना पब्लिक में ब्लॉग, भाई लोग पूछेंगे, उसके बाद भाई सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, समझ गए हो? थैंक यू भैया। सबवे पार करने के बाद ना कम से कम भाई 1 से 1.5 किलोमीटर 1000 या 1200 मीटर होगा। ये देख लो अभी भाई यहाँ पे एक टिकट मिल जाएगी, ये पूरा लाल किला है। ओ भाई अच्छा लग रहा है भाई, वैसे मैं कहता मार्केट आ रहा था ना तो भाई आता नहीं था, ठीक है? मैं मन नहीं करता, और अभी आया हूँ ना भाई, व्यू देखो पीछे इतना अच्छा लग रहा है ना,
भाई। अच्छा एक बात मैंने बोलता ना कि भाई चल के आ जाना भाई, चल करके मत आना क्योंकि हालत खराब हो जाएगी। मौसम तो अच्छा है तभी मेरी हालत खराब हो गई है, और भाई मैं धूप में अगर आओ ना और भाई बिना रिक्शा ऑटो के तो हालत खराब हो जाएगी। चल भाई पहले मैं वो ले लेता हूँ भाई, टिकट ले लिए, कैशलेस का ऑप्शन भी था लेकिन उसमें डिटेल मांगनी पड़ रही थी। यहाँ पे अभी भीड़ है नहीं इतनी, तो भाई हमने जाकर के वैसे ले ली। भाई अगर दिल्ली में रहते हो ना, मैं सच बताऊँ, देखो अभी मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ी है उस पर, तो इस वजह से भाई ज़्यादा अच्छा लग रहा देखने के लिए। ठीक है, दूर से देखोगे ना तो इतना कुछ खास लगता नहीं था, लेकिन भाई दिल्ली में अगर रह रहे हो ना तो भाई एक ना एक बार तो भाई आकर के देखना चाहिए। भाई बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, और भाई टूरिस्ट देखो काफ़ी है, और ना पता देख करके पता लगता है कि भाई जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली के ना भाई लोग बहुत ही कमाते होंगे। लफंडर शामू कहाँ से आए आप लोग? संबल कहाँ पर पड़ता है? मुरादाबाद से। हाँ देखो अभी ना मैं कह रहा था कि भाई मतलब दिल्ली में तो ठीक है, जैसे क्राउड देख करके ना लग नहीं था कि बहुत सारे दिल्ली से है, तो देखो भाई भाई लोग आ रहे हैं सारे। कहाँ से आए भाई आप लोग? संबल से, मुरादाबाद यूपी है ना। सारे कर देना ठीक है भाई, सब्सक्राइब, थैंक यू भाई। अभी जो भाई आए थे ना उनसे जस्ट पहले मैं बोल रहा था कि भाई देख करके लग रहा है कि जो क्राउड है ना ज़्यादातर भाई टूरिस्ट बाहर के है, दिल्ली के सारे भाई हिल स्टेशन जा रहे हैं और जो बाहर के वो दिल्ली आ रहे हैं। और आज का भाई मौसम भी बढ़िया, और भाई देखो पब्लिक में ब्लॉग करने का यही फ़ायदा होता है। वो भाई कह रहे देखो भाई आपके मैं 5 सब्सक्राइबर बढ़वा दूंगा और शेयर भी करूंगा। पब्लिक में भाई अगर ब्लॉग करना है तो भाई तुम समझ जाओ कि भाई कोई कुछ भी देखे भाई, तुम भाई बस कैमरे भी देखो और भाई फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो करना है जो बोलना भाई बोलो और चलते रहो, ठीक है ना। आपको भाई लोग देखेंगे, मेरी तो भाई वैसी भी पर्सनैलिटी ऐसी कि भाई अगर मैं कैमरा लेकर के ना भी चलूँ ना तब भी भाई कोई ना कोई भाई देखेगा ही देखेगा, ठीक है। कुछ लोग तो कमेंट ही मारते जय बोड़े, ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है। भैया मेन एंट्रेंस ये है, एक टिकट काउंटर से लेकर के ना यहाँ तक अभी जो मेन एंट्रेंस बता रहे हैं यहाँ तक अभी कम से कम 800 मीटर या 1 किलोमीटर होगा कम से कम। तो भाई ऑफिशियली एंट्री ये होने वाली है लाल किले की, समझ रहे हो, और अभी हम जा रहे हैं अंदर और बस चेक करो। फाइनली भाई अभी मैं आया हूँ ठीक है लाल किला के अंदर, ठीक है। मेट्रो स्टेशन से लाल किले का जो गेट है ना मेन एंट्रेंस, भाई आप ही लगा लो 2 से 2.5 किलोमीटर है। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं भाई मेन रोड से तो रिक्शा ऑटो लेकर के आ जाऊंगा ताजमहल, तो नहीं, उसके बाद भी आपको भाई 1 किलोमीटर कम से कम अंदर चलना है। अभी मैं हूँ बिल्कुल भाई फ्रंट पे, ठीक है, ताजमहल निकल रहा है बार बार मेरे मुँह से, ठीक है। लाल किले का ही फ्रंट ही हूँ जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। वो देख रहे हो वो बिल्कुल सेंटर है जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, और ये देखो एक है और आगे वो तो बंद करा हुआ है, ठीक है। उस साइड जो दिख रहे हैं ना आपको पिलर टाइप के, ठीक है, वो तो बंद करा हुआ है। और अभी बिल्कुल मैं सेंटर में हूँ, इसको मतलब क्या कहते, क्या था, नगाड़ा घर, ठीक है। जैसे बराती वराती मतलब गेस्ट वगैरह वहाँ से आते होंगे ना, तो यहाँ पे भाई इनकी डीजे पार्टी होती होगी, मतलब गाने वाने बजते होंगे, ठीक है। वो देख रहे हो उस साइड से लोग आ रहे हैं, वो फ्रंट है, ये नगाड़ा घर है, यहाँ पे भी कुछ है, इसके उधर जा करके देखता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। म्यूजियम भी है, ठीक है। म्यूजियम भाई 5 बजे बंद हो जाते हैं, और अभी देख रहे हो क्या हो रहा है टाइम, ठीक है, ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके हैं। अभी देखो जो जितना समझ आया वो आपको मैंने वो दिखा दिया, ठीक है। एंट्रेंस मैंने आपको दिखा दी है, ये बीच में नगाड़ा घर है, ठीक है। जगह कोई आता होगा उस टाइम पे तो भाई मतलब उस टाइम की वाइब ही अलग होती होगी ना यार, उस टाइम पे जो आता होगा भाई उनके लिए वहाँ पे नगाड़े बजते थे, अलग ही वाइब है। आगे चल करके देखते हैं क्या हिसाब किताब है, ठीक है। 6:30 हो चुके हैं भाई, निकलूंगा अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ से, क्या हिसाब किताब होगा मालूम नहीं, लेकिन भाई आज का दिन और आज का ये व्लॉग भी बहुत बढ़िया जाएगा, ठीक है ना भाई। वीडियो देख रहे हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ये जो मैं बता रहा था ना आते होंगे लोग, तो भाई ये है दीवाने आम, मतलब नॉर्मल जो जनता होती होगी उनके लिए, ठीक है, ये प्रॉपर है, ठीक है। वहाँ पे वो देखो स्टेज है, ठीक, और उस साइड दिख रहा है, उस साइड वो है दीवाने खास, ठीक है, मंत्रियों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए। भाई अभी के टाइम पे लोग 2 BHK 3 BHK 4 BHK 5 BHK लेके इतना खुश होते हैं, ओ भाई उस टाइम पे यार देख रहे हो कितने BHK निकल के आ जाएंगे पता ही नहीं है। तो भाई फाइनली, ठीक है, अभी मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं भी बहुत खास बंदा हूँ, क्योंकि मैं भाई बेगम है खास पे मैंने हाथ रखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ देखो वो जो जगह है ना नीचे की तरफ है, ठीक है, रानियाँ हुआ करती थी, ठीक है, दासियाँ जो भी बोल लो, ठीक है, लेकिन भाई लोकेशन एक नंबर है यार, दिल से आ गया मेरा, ठीक है। और अब देखो तुम्हारा भाई खास आदमियों में गिना जाएगा, ठीक है ना, सिस्टम पाट देंगे ओ भाई। और वो देखो भाई पीछे है मस्जिद,
ओ भाई, और टाइम क्या हो गया है देख लो भाई, 7:12 है। ठीक है, थोड़ी देर में भाई हम ब्लॉग खत्म कर देंगे। अगर यहाँ तक अभी भी देख रहे हो ना आप, तो भाई कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओ भाई यार क्या प्यारा है यार ये। कहाँ से आए हो है ना भैया, ऐसे देख कर भैया बाहर का लग रहा हूँ मैं है। तो भाई भैया मेरे को फॉरनर बता रहे, तो भैया पूछ रहा कहाँ से आए हो। तो बहुत बार ना भाई मैं जैसे जाता हूँ, जैसे कि कुछ जगह में ऐसा होता है ना कि यार पुरानी इमारतें हैं, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से फॉरनर्स, तो उनसे अलग पैसे लेंगे। मैं टिकट ले रहा था ना, तब क्या हुआ, वो कह रहे कि मुझको इंडिया से हो या बाहर से हो, आईडी मांग रहे थे मुझसे। ठीक है, कमेंट भी करना, लाइक भी करना, ठीक है, और शेयर भी करना। थैंक यू भैया, आप लोगों को भी करना है, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो भाई जितना मैंने घूमना था भाई घूम लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ पे आकर के। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो ना रहते हो, तो भाई एक बार भाई अच्छा जिस दिन मौसम हो ना, मतलब बारिश वाला मौसम हो या फिर मतलब सर्दियों में कर सकते हो। ठीक है, गर्मियों में तो भाई दिल्ली की गर्मी आपको पता ही, आज थोड़ी बारिश हुई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मियों में मत आना, क्योंकि भाई जो ये ब्यूटी है ना, आप गर्मी में भाई साहब अगर गर्म दिमाग से देखोगे ना, तो आप लोग क्या ही देखने आया हूँ मैं। जिस दिन भाई मौसम थोड़ा अच्छा हो ना, उस दिन आओ, तो आपको लगेगा कि भाई हाँ घर से आया हूँ मैं इतनी दूर, टाइम खराब नहीं हुआ। लोकेशन देख रहे हो कैसे चहचहा रही है चिड़िया। तो भाई देखो एक लोकेशन और ही है, देखो वो कहते खास महल था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है, और उसके पीछे भी एक लोकेशन है जहाँ मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मेरे को जाना है घर। ठीक है, फिर कभी आऊँगा मैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा इस वीडियो को भाई, जितना उतना शेयर करना, समझ गए। ओ भाई चले घर। तो गाइस वीडियो देखो यहीं पे मैं ख़त्म कर देता हूँ, थक गया हूँ भाई, हालत ख़राब हो गई है। ठीक है ना, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मन नहीं कर रहा ख़त्म करने का, लेकिन थकावट इतनी हो गई ना, क्या करें। कोई बात नहीं यार, घूमते रहेंगे, घर के बगल में ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इतनी उम्र हो गई भाई दिल्ली में रहते रहते, अभी तक भाई ताजमहल नहीं देखा था। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी जगह जो भाई मैंने नहीं देखी है, लेकिन भाई अभी ताजमहल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है।